खत्म होते हैं वैसे ही तीन घंटे के बाद आपका पेपर शुरू हो जाता है जिसमें ऐसे टाइप करना होता है आपको हाँ जी यू हैव टू टाइप इट और आपके सामने काउंटर होता है वर्ड काउंटर और एम एस वर्ड जैसा सेटअप होता है वहाँ पर आप ऐसे टाइप करते हो तो क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको दिमाग में रखनी है किन चीज़ों को नहीं करना है वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम के लिए एन अकेडमी पर मेरी मैक्सिमम क्लासेस होती हैं मेक श्योर टू फॉलो मी देयर बहुत सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है चेक इट आउट ओके और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दो ना ऐसे राइटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड की अपने सेल्फ प्रस्पेक्टिव को डालकर नहीं लिखी जाती लिखते तो आप खुद ही हो लेकिन इन माय व्यू आई थिंक सो इन माय ओपिनियन ये सब आप नहीं लिखते हो ऐसे राइटिंग को कुछ आप ऐसा सोचो कि आप थर्ड पर्सन के प्रस्पेक्टिव से लिख रहे हो थर्ड पर्सन के ही लिए लिख रहे हो आप रीडर के लिए एक टॉपिक पर कुछ बातें कुछ डिटेल्स कुछ रिमार्क्स को लिख रहे हो ऐसे के टॉपिक्स पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं न्यूट्रल हो सकते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं अगर आप चूज करोगे सो कॉल्ड टॉपिक आपके लिए जो ऐसे राइटिंग के पेपर में ऑप्शंस आते हैं दो से तीन ऑप्शंस होते हैं एसबीआई में भी आई बी में भी बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको जिस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये टॉपिक के बारे में मैं लिख सकता हूँ लिख सकती हूँ मुझे इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता हैं कुछ चीज़ें मैं एक्सप्रेस करने में मुश्किल नहीं जाएगी सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको चॉइस से शुरू हो जाती है ऐसे राइटिंग विच टॉपिक टू चूज चूज द टॉपिक जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है कि इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें पता हैं तो आप एक अच्छा ऐसे फ्रेम कर लोगे द सेकेंड थिंग इज ऐसे राइटिंग को आपको ऑफकोर्स आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होता है तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करते हो घर में लिखते हो तो कोशिश करो कि कहीं से अगर लैपटॉप या कंप्यूटर का अरेंजमेंट हो पाए आप साइबर जा सकते हो साइबर कैफे जा सकते हो आपको टाइप करके प्रैक्टिस करनी है अदरवाइज आपको बहुत अच्छा ऐसे लिखते तो आता है लेकिन टाइपिंग स्पीड स्लो है या टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है तो वो आपके मार्क्स खत्म कर देगी वो हम नहीं चाहते सो दैट्स द सेकेंड थिंग फॉर यू ऑल ना ऐसे राइटिंग अगर मैं ब्रॉडली बोलू तो आपका ऐसे ढाई सौ वर्ड्स अराउंड का होता है जो पूछा जाता है तो आप उसको तीन हिस्से में डिवाइड करते हो आप टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करते हो किसी की डेफिनेशन हो या है क्या वो जो टॉपिक है फिर उसका जो डिटेल टाइटल में है, है ना जैसे इम्पैक्ट ऑफ फाइव जी ओके ऑन पीपल इन इंडिया तो आप पहले 5G की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में दे दिए फिर इम्पैक्ट वाली बात को अच्छे से आपने मेन बॉडी सेकंड पैराग्राफ में समझाया और फिर आपने लास्ट में कंक्लूजन लिखा जो कि होता है निचोड़ पूरी बातों का और शायद एक मैसेज या एक सजेशन जो आप रीडर को देना चाह रहे हो कई बार आप एक होप देना चाहते हो रीडर को कोई नेगेटिव है करप्शन जैसे टॉपिक पर आ गया तो आप कुछ रास्ता कुछ सज्यूशन कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो सब कंक्लूजन में जाता है तो ऐसे राइटिंग आपको फ्रेम करनी होती है चॉइस हो गई अपने पर्सनल टाइम पर टाइप करके लिखना सीखा आप पैराग्राफ के फॉर्म में ऐसे लिखते हो आप बुलेट पॉइंट्स पॉइंटर्स वन टू थ्री ऐसे हाईलाइट करके नहीं लिखते हो जैसे आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल के पैराग्राफ के फॉर्म में जैसे हिंदू का एडिटोरियल हमेशा दो पैराग्राफ में होता है तो ऐसे हमको तीन पैराग्राफ चाहिए बिना किसी सब हेडिंग के तो वो ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं अब ऐसे में ट्वेंटी परसेंट फैक्ट टेन से ट्वेंटी परसेंट फैक्ट डालो उससे ज्यादा फैक्ट डालना या डेटा डालने की जरूरत नहीं होती है क्या करना है आप लोगों को पहले ही साधारण शब्दों का यूज कर रहे हो पर क्लियर बात कन्वे होनी चाहिए जो बात आप उस स्टेटमेंट में उस अः उस वाक्य में बताना चाह रहे हो वो लाइन का वाक्य का प्रॉपर मीनिंग समझ आए इसके लिए आपको अपने ऐसे में क्लैरिटी रखने की बहुत जरूरत है अब आपको लिखना कैसे है ये ऐसे सबसे पहले जो आपका समय है एक आदत डाल लो कि शुरुआत का वन से वन एंड हाफ टू मिनट्स मैक्सिमम। आप केवल ये सोचने में लगाओगे कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिखना चाहोगे कुछ ऐसा आ गया जैसे कि आ, मेट्रो में न, या आईटी सेक्टर में वर्क लाइफ कल्चर बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको ओके okay? या फिर आपको जेंडर uh, इक्वालिटी पे लिखने को आ गया बहुत सारे हैं आप हजार दो हजार वर्ड भी लिख सकते हो लेकिन आपको सिलेक्ट करनी होती है बातें क्योंकि आपके पास तो टाइम भी कम है वर्ड लिमिट भी कम है सो टेक मेक दिस अ हैबिट टेक वन टू टू मिनट्स थिंक कि आपको कौन कौन से दो से तीन मैक्सिमम चार पॉइंट है जो एक्सप्लेन करने हैं क्योंकि आप लिस्ट की तरह उसे नहीं लिख सकते सारे पॉइंट पॉइंट लिख दिए एक एक लाइन लाइन में में दूसरी दूसरा ऐसे नहीं कर सकते पैराग्राफ के फॉर्म में तो है लेकिन आपको करना पड़ेगा कि आप पहले इंट्रोड्यूस करोगे फिर उसकी ये वाली बात बताओगे फिर ये वाली फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर कंक्लूड कर दोगे तो इस तरीके से एक रोड मैप एक आउटलाइन आपके दिमाग में हो तो ही आप ऐसे लिखना शुरू करो लिखते लिखते बीच में फिर वो ट्रैक बदलने से पूरा ऐसे ही ऑफ ट्रैक हो जाता है तो इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है इट्स अगैन आई नो आपको सबको पता है बट आई विल से दिस थिंग आई विल रिपीट एंड रीआइटरेट कि आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है ग्रामर को इम्प्रूव करना है जहाँ पर फुल स्टॉप कैपिटल पंचुएशन मार्क्स जो भी रिक्वायर्ड है वो लगाने की आदत डालनी है शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे प्रॉपर शब्दों को लिखना सीखना होगा So, आपके पास में ऐसे के लिए अगर आप चाहें तो नीचे मैं टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वहां पर आपको एक फाइल मिल जाएगी प्रोबेबल टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स की जो इस साल आ सकते हैं आपको और उसके अलावा ऐसे आप जैसे पढ़ते हो जैसे रीडिंग कंटिन्यू करते हो बहुत सारी चीज़ें हैं आर्टिकल्स uh, में कई बार इकोनमी रिलेटेड होता है इनवामेंट रिलेटेड होता है अभी यूक्रेन uh, वॉर जो है इट्स अ हॉट टॉपिक फाइव जी इज़ अ हॉट टॉपिक तो ये सब uh, इंडिया का वापस से ग्रो करना आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक वाला जो पीरियड है आफ्टर पेंडेमिक तो आप वो वाली चीज़ों को जो पढ़ ही रहे हो रेगुलरली उन्हीं से, से आपको टॉपिक आता है तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं होता कि हमको नहीं बना तो आपको ऐसे टेक माय वर्ड जो ऑप्शंस आएंगे आपको लगभग सभी ऑप्शंस के ऊपर ऐसे लिखने की क्षमता आपको रखोगे आप लिख पाओगे तो इस वजह से ध्यान इस पर देना कि आप फ्रेम कैसे कर रहे हो गलतियां तो नहीं कर रहे हो उनमें है ना और जो फॉर्मेट है ऐसे जैसे होता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं सो यू हैव टू थिंक मोर अबाउट दिस डोंट वरी अबाउट द टॉपिक्स क्योंकि आपको ऑप्शन भी आते हैं एंड आप लोग इतना जीए वगैरह पढ़ ही लेते हो कि आपके पास मटीरियल भी होता है पर उस मटेरियल को ऐसे में उतारना इज द चैलेंज यू हैव एंड दैट इज समथिंग जिसके लिए आपको जब तक अभी एग्जाम नहीं हो जाता उसके ऊपर काम कर लेना है अच्छे से टाइप करके करना है समय का ध्यान रखो अच्छी सी स्पीड होनी चाहिए आपकी थर्टी फोर्टी वर्ड पर मिनट वाली तो स्पीड होनी ही चाहिए थर्टी भी होगा तो चलेगा बट येस वॉट यू हैव टू डू एंड यू कैन यूज ग्रामरली जो कि फ्री वर्जन होता है जब आप लिख लेते हो अपना ऐसे जब लिख रहे हो तो स्पेल चेक और ऑटो करेक्ट बंद कर देना सिर्फ वर्ड काउंटर चालू करना एमएस वर्ड में और जब आपका हो जाता है ऐसे तो आप ग्रामरली पर जाकर उसे चेक कर सकते हो वहाँ से आपको एटलीस्ट आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक तो पता चल ही जाएंगी और खुद का कंटेंट अगर चेक करना है तो एक दिन रुको कोई नहीं है चेक करने के लिए तो एक दिन रुक कर खुद ही अपना ऐसे दूसरे दिन पढ़ोगे सो यू विल बी एबल रियलाइज कि आप कहाँ पर क्या और लिख सकते थे कहाँ कुछ कमी रह गई ये तो बात आप ही के समझ में नहीं है आप ही का लिखा हुआ सो यू कैन जज दैट ऑन योर ओन तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं ऐसे राइटिंग से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहती थी और ऐसे राइटिंग के लिए आपको थर्टी मिनट्स में से लगभग ट्वेंटी मिनट्स रखने होते हैं मैक्सिमम पोर्शन लेटर आसानी से लिखा जा सकता है और लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स ऐसे के लिए आपको एक लास्ट बात बताऊंगी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कंप्लीट हो है ना जैसे लिखते लिखते सोलह सत्रह मिनट हो गए आप अभी तक मेन बॉडी सेकेंड पैराग्राफ पर ही हो तो आपको उसको पूरा करने के बजाय दो लाइन कंक्लूजन की डाल देनी है तीसरे पैराग्राफ में सो so दैट क्या होगा ना कि आपका ऐसे कम से कम कंप्लीट तो लगेगा भले ही आपने चार पॉइंट सोचे थे अभी तीन ही पॉइंट लिख पाए मेन जो आप मुद्दा लिखना चाह रहे थे लेकिन आपने आखिरी की दो लाइनों में कंक्लूजन डाल दिया तो वो एटलीस्ट कंप्लीट ऐसे लगेगा एंड ये जो होता है वो सिस्टम से चेक होता है मैनुअल चेक नहीं होते आपके ऐसे तो जस्ट डू योर बेस्ट एंड पूरे स्कोर भी नहीं मिलता है आपको ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव तो नहीं मिलेगा बट सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी मैक्सिमम इस तरीके के स्कोर्स आप ले सकते हो लेकर आ सकते हो अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो रीडिंग कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस करती रहनी है प्रैक्टिस अच्छे से करना ईमानदारी से ऐसे शॉर्टकट वाली प्रैक्टिस नहीं एंड मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी तैयारी करो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको तो निकालना है राइट एंड टू शेयर विद यू आप लोगों के एक और अपडेट है कि अगर आप नवंबर 8th या 9th को सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर को बुक्स भी मिलेंगी जो कि अक्सर आइकॉनिक वाले सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं पर आप इसे कम कॉस्ट पे प्लस वाले नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हो अगर एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो द कोड इज एनजीएम टेन डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स हैं डू चेक इट आउट आई विल सी यू इन माई प्लस कोर्सेज जो कि वन और थ्री पी एम पर होते हैं अन अकेडमी प्लस पर प्री क्लास सिक्स पी एम पर होती है अन अकेडमी पर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको पी डी एफ और शेड्यूल मेरा वहाँ से मिल जाएगा आई विल सी यू सून इन अन दीडियो टिल देन टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो